हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए बहुत ठंडी है हमारे इधर, तो मैं थोड़ी देर धूप में आके बैठी थी नहा करके, बट धूप में आके बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही है और अंदर जा रहे हैं तो ठंडी लग रही है। और हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। देखिए मैंने शॉल भी ले के रखा हुआ है। और कैसे हैं आप सब? धूप में बैठने से ना इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी देर बैठ रहे हैं ना तो धूप लगने लग रही है, ऐसा हो गया है। और बच्चों ने भी आज तो स्वेटर पहन ली है क्योंकि ठंडी का मौसम लगभग आ ही गया है। और ये देखिए बिटिया रानी आ गई हैं और इन्होंने देखिए क्या पहना हुआ है। सर्दियों में ना इसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। इसके गाल जो है ना, देखिए हवा से दिखा बेटा, जो हवा लगती है ना तभी इसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। ये ऐसे हवा लगती है जब ना। और क्या चल रहा है, आप लोगों ने मेरी जो मैंने पिछली वीडियो मेरी डाली थी बहुत अच्छा कमेंट किया, उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिएगा। और आज मैं आपको क्या क्या दिखा पाती हूँ बोलो, तेज बोलो। धूप में दिखाई नहीं दे रहा है और आँख के ऊपर रोशनी पड़ती है ना तो दिखता नहीं, आँखें अच्छे से खुलती नहीं है। और कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? और करवा चौथ का व्रत किस किसने रखा? मैं तो नहीं रखती करवा चौथ का व्रत, और कुछ कारण के कारण नहीं रख पाती व्रत। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है ना कि सब कुछ सोचते हुए भी जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, तो उन सब बातों को छोड़िए और मेरी बिटिया रानी को देखिए कैसे देख रही है, आंखें बंद कर कर के देखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय, मैं सो के उठ के आई हूँ अभी बाहर, और आज मैं दोपहर में इतना सोई ना खाना खाने के बाद में, ठंडी में सोने का बहुत ज़्यादा मन होता है तो आज तो 2-3 घंटे में सोई, बहुत देर तक सोई। क्या हुआ ये देखिए दोनों, और ये देखिए खेल खेल के हालत इनकी। हेलो, आपसे बहुत ठंडी पड़ रही है, आप भी गर्म कपड़े पहनिएगा नहीं तो आपको भी बुखार हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए ये डॉक्टर साहब ने बता दिया है, आप इस रूल्स को फॉलो करें और अपनी जान बचाएं बुखार से। पहले से ही हैप्पी दिवाली आपको। हैप्पी दिवाली भी हो गई आपके लिए, देख लीजिए। अभी भी आप बोलो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए ये पूरी एडिटिंग सीख गए हैं मेरे साथ ब्लॉग बनाते बनाते। और देखिए भाई साहब जी कैसे आए, हमको तो बात करने दो, ये दोनों शैतान बैठे हैं ना इधर पूरे दिन से मस्ती कर रहे हैं। और आज जब मैं सो गई थी ना, इन लोगों ने डाटा चला के पूरा डाटा मेरा खा लिया है टीवी में, है ना, है ना। और हेलो, हेलो, और बोलो, और भूल जाती है बोलते बोलते, है ना। आपकी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाइएगा और खाइएगा। अच्छी अच्छी मिठाई बनाइए और खाइएगा। हाँ, देख लो इसके दांत खराब हो गए हैं, आपके भी हो जाएंगे। अब इनकी बातचीत तो कभी खत्म होने वाली है नहीं है, तो बाय बोलो, चलो जाओ। बाय, चल हटो, हटो, चल बाय बोलो बेबी, बाय। देखिए शाम हो गई है और अंधेरा होने वाला है और मौसम देखिए बहुत अच्छा है और सभी की छत के ऊपर कपड़े डले हुए हैं क्योंकि इस टाइम में ना सब लोग धुलाई चल रही है घर की और साफ सफाई चल रही है। और मेरी जो सिस्टर है ना वो भी मम्मी के घर चली गई हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो घर में रहती है ना तो मुझे अच्छा लगता है और बहुत अकेलापन सा महसूस होता है जब वो चली जाती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, अकेलापन सा महसूस होता है। वो मेरे साथ में रहती है ना और उसकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, भगवान करे जल्दी उसकी कोई जॉब लग जाए जिसकी वो तैयारी कर रही है। और देखते हैं, इस बार उसने एग्ज़ाम तो दिया है SBI का, अभी भगवान करे उसकी लग जाए इस बार,
क्योंकि उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब हम लोग परेशान थे या फिर जब हम लोगों को उसकी ज़रूरत महसूस हुई ना मुझे, तो बहुत ज़्यादा उसने मेरी हेल्प की है। क्योंकि जब मैं कॉलेज जाने वाली थी ना, और कॉलेज जाने के टाइम पे मुझे ये लगता था कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, कौन इनका मेरी तरह ध्यान रखेगा, तो मुझे चारों तरफ कोई नहीं दिखता था कि कोई मेरी हेल्प करने लायक है कि नहीं। बट मेरी बहन ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मम्मी ने बोला कि आप रिंकू नाम है उसका, तो बोला कि आप रिंकू को ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ध्यान रखेगी बच्चों का। और उसने अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। और जब वो घर चली जाती है ना, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है और बहुत अकेलापन महसूस होता है। बोलते हैं ना, माँ माँ जैसी नहीं होती है, मेरी बहन माँ जैसी नहीं है, माँ से भी अच्छी है। जितनी अच्छी परवरिश मैं अपने बच्चों की नहीं कर पाती ना, उतनी अच्छी उसने की है। और पता नहीं मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, बट जब भी मैं उस चीज़ को याद करती हूँ ना कि जब हेल्प करने का टाइम हमारा आता है, तो जो हमारी हेल्प करता है ना, वो ही हमारा सच्चा साथी होता है। तो जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी ना, पहले भी कभी, अभी नहीं, पहले से ही, तो वो मेरे साथ आ गई तब तब, और हमेशा उसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं उसको बहुत याद भी कर रही हूँ और थैंक यू कहना चाहती हूँ उसको कि इसी तरीके से वो मेरे बच्चों को प्यार देती रहे। और ये मेरे नहीं, उसके ही बच्चे हैं। वो हमेशा मासी 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 बच्चे, माँ कम बोलते हैं और मासी ज़्यादा बोलते हैं। तो यही मेरे को याद आता है कि मासी मतलब माँ जैसी बोलते हैं, बट माँ जैसी नहीं, वो मेरे बच्चों की माँ से भी बढ़कर है। और बहुत याद करते हैं बच्चे उसको। और 2-3 दिन हो गया उसको गए हुए, अब दिवाली के बाद में शायद हम मैं उसको लेके आऊं। वो ये है ना कि मेरे साथ मेरे पास में रहती है, तो जितना मैं ससुराल में रहती हूँ, बेचारी की ससुराल हो जाती है मेरे जैसी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो हमारे चक्कर में मम्मी से बहुत दूर रहती है। लेकिन यहाँ रहते हुए भी उसको मम्मी की याद नहीं आती है, क्योंकि मैं उसको मम्मी के जैसे ही डांटती रहती हूँ और बोलती है, दीदी मुझे मम्मी की ज़्यादा याद नहीं आती है, आपके पास में रहती हूँ तो, क्योंकि आपका जो व्यवहार है ना, मम्मी के जैसा ही है, हमेशा चिल्लाना डांटना, ऐसे ही मम्मी भी करती है। तो अगर वो मुझे देख रही है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और अगर आपकी भी बहन है तो भगवान करे ऐसी बहन सबको दे, और मैं तो खुशनसीब हूँ ही कि मुझे इतनी अच्छी बहन मिली। और आज अगर मैं अपनी एजुकेशन को जारी रख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ मेरी सिस्टर की हेल्प से, और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है। और देखिए इतनी ज़्यादा मतलब अंदर से ऐसे हो गया कि आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है, क्या मैं बोलूं पता नहीं। लेकिन जितना हो सकेगा मैं अपनी लाइफ में उसके लिए करना चाहूँगी, जो भी कर सकती हूँ। और भगवान से शाम के टाइम मेरी यही प्रार्थना है कि वो SSC की तैयारी कर रही है, PO का भी दिया है उसने, भगवान करे उसका उसी में हो जाए और जो उसने सोचा है वो उसको मिल जाए, बस यही मैं कहना चाहूँगी। और ऐसे अजीब से भावुक से हो जाते हैं ना, तो गले में अजीब सा हो जाता है, बोलने का ऐसे नहीं होता है। तो बस यही बोलने का मन किया तो बोल दिया, क्योंकि उसके इस टाइम ना बहुत याद आती है। बच्चे भी उसके साथ खेलते थे और हम लोग भी बैठे रहते थे, बात करते थे, वरना मैं अकेली हो जाती हूँ, वो नहीं रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बाय बाय।